ये दोस्त हमारे पास नाइट्रीन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? नाइट्रीन। अब क्वेश्चन कोई पूछे पता नाइट्रोजन नाइट्रीन होता क्या है? तो नाइट्रीन की बात कर रहे हैं, जैसा कार्बिन होता है कि नहीं होता दोस्त? कार्बिन की तरह ही होता है। कौन होता है? नाइट्रीन। इसमें अगर हम बात करें तो होता क्या है, बात करें मोनोवेलेंट। वो कैसा था कार्बिन? डाइवेलेंट। बस दो बॉन्ड बना, यही बन रहा है मोनोवेलेंट, हाँ कि ना? दूसरा वीडियो बात करें, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? बात करें सिक्स। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन वीडियो बात करें? सिक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सोच पाए वो कंपाउंड कैसे होते हो, न्यूट्रल था कि नहीं था? ये भी कैसे बेटा बात करें? न्यूट्रल। न्यूट्रल वीडियो बात करें, सोच पा रहे कैसा होता है वीडियो बात करें? मोनोवेलेंट बोला है वीडियो बात करें, इसका मतलब सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है कि नहीं दोस्त? बताओ, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन। तो मोनोवेलेंट बोलते मतलब सिंगल बॉन्डेड ही है। मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है दोस्त? नाइट्रोजन इसको दीदी अपन बोलते क्या? नाइट्रीन। क्या बोलते गुड़िया? नाइट्रीन। एक सीधी सी आपकी डेफिनेशन पता चल गई आपको, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन को अपन नाम क्या देते दोस्त? बताओ, नाइट्रीन बोलते। क्या बोलते गुड़िया? नाइट्रीन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर आप देखो इस स्ट्रक्चर को, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। नाइट्रोजन पे टू बात करें, एक बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। आपको पता है बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी के साथ ही एक बॉन्ड बना रहा है। सोच पा रहे? इसके पास वीडियो बात क्या बताओ, हमारे पास अपने बोले कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स। तो इसका मतलब ये इसके पास वीडियो बात करेगा, रहेगा नहीं रहेगा? समझ में आ रहा है? आपको पता है वीडियो बात करें कभी भी किसी भी एटम के पास वीडियो बात करें एक से ज्यादा ही लोन पेयर क्यों ना हो, लेकिन जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो वो हमेशा वीडियो बात करें एक लोन पेयर का ही बेटा शेयर करता है। चाहे बेटा बात कर उसके पास तीन लोन पेयर हो, चाहे दो लोन पेयर हो, चाहे एक लोन पेयर हो, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो बुढ़े बात कर वो केवल एक लोन पेयर देगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन बुढ़े बात कर कॉर्डिनेशन में, आपको पता चलेगा लिगेंड के पास दीदी बात करें तीन तीन लोन पेयर है, लेकिन वो जब बेटा शेयर करता है तो कितना करता है? एक ही करता है। हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा बात करें दो लोन पेयर है, हमें दीदी बात करके एक लोन पेयर को ही देखना है। किसको देखना बेटा बात करें? एक लोन पेयर ही बुढ़े बात में पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। तो आपने बोले बुढ़े बात हमारे पास क्या है? नाइट्रीन है। क्या है बुढ़े बात करें? नाइट्रीन। पता चल गया। अब नाइट्रीन बुढ़े बताओ हमारे पास कैसी होती है? ये भी दो टाइप की होती है, सिंगलेट और गुड़े बात करें ट्रिपलेट। क्या होता है? सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है। गुड़े बात करें तो बताओ किस तरीके से आगे बेटा बात करें? आपने बोला कि टाइप टाइप देखने मुझे तो दो टाइप का ही होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो गुड़े बताओ क्या होगा? और दूसरा क्या होगा दोस्त? ट्रिपलेट नाइट्रीन, है ना दोस्त? तो सिंगलेट नाइट्रीन में बुढ़े बात करें क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से बुढ़े एक तो नाइट्रीन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। सिंगलेट नाइट्रीन में बुढ़े बात करें क्या होता है कि जो लोन पेयर बुढ़े बात करिए पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, क्या करेगा? सिंगलेट नाइट्रीन का कभी स्ट्रक्चर देखा आपने? अगर कभी बनाना पड़े सिंगलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर, कोई को देखा कभी? जैसे बुढ़े बात करें हॉप में ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ते हैं आप, हॉप में ब्रोमाइड बेटा बात करें इंटरमीडिएट बनता है बात कर, पर क्या बनता है? एसएल नाइट्रीन। क्या बनता है दोस्त? एसएल नाइट्रीन। नोट करके दीदी बात करें, याद रखना इस चीज को। किसकी बात करें अपन? हॉप में ब्रोमाइड रिएक्शन में दीदी बात करें, समझ पा रहे? क्या बनता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा दोस्त का? बताओ बुढ़े बात करें जी, दीदी बात करें एसएल, सोचो नाइट्रीन क्या बनता है? इंटरमीडिएट की बात करें तो बनता है बुढ़े बात करें एसएल नाइट्रीन। एसएल नाइट्रीन बनेगा। एसएल नाइट्रीन मतलब क्या बुढ़े बात करें? आर सी डबल बॉन्ड ओ बुढ़े बात करें एन। आगे दोस्त देखा बोलो, ये बेटा नाइट्रोजन, इसको बताओ बुढ़े बात एक ही बॉन्ड इसने बनाया कि नहीं बनाया बेटा? देखो ये वाला अल्टीमेटली क्या है? नाइट्रीन। क्या है दोस्त बताओ? नाइट्रीन। पर नाइट्रीन बुढ़े बताओ किसके साथ जुड़ा है, याद है? आर सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इसको दीदी याद आ रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ शी एल लिखवाया था, याद है? क्या था ये? एसिड हैलाइड, समझ में आ रहा है? अरे हाँ, क्यों बेटा बात कर? तो ये गोलू बात किसको बेटा बोलते हैं? एसएल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा बात करें? एसएल ग्रुप। एसएल नाइट्रीन है ये। क्या है दोस्त? एसएल नाइट्रीन। प्लीज बुढ़िया याद रखना, इस तरीके से बनता है। अब सिंगलेट नाइट्रीन बुढ़िया बात कर हमारे पास देखा जाए
तो कंडीशंस क्या होती है कि जो एक इस लोन पेयर की बात नहीं करें, केवल एक लोन पेयर को देखना गुड़िया, तो ये लोन पेयर कहाँ रहेगा बेटा बात करें, एक ही ऑर्बिटल में रहेगा गुड़िया बात करें। तो इनमें क्या होगा बेटा बात करें, एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ होंगे, एक ही ऑर्बिटल में होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। तो इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या होगा यार दोस्त, मोर रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करें गुरु, तो बॉन्ड तो दीदी बात करें नाइट्रोजन एक ही बनाएगा, लेकिन आपको पता है बेटा बात करें जिस लोन पेयर को हम गुरु देख रहे थे, जो ऑर्बिटल बात का शेयर करता है, वो गुड़िया एक ऑर्बिटल का, एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें अलग अलग ऑर्बिटल में आ जाते हैं गुड़िया बात करके इसके साथ सेम स्पिन के साथ। तो जब गुड़िया बात इसमें अल्टीमेटली आप तो देखो दोनों को भी अगर देखो गुरु बात कर सोच पा रहे बेटा, तो आपने क्या देखा यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन गुरु बात करें किसमें एक ऑर्बिटल में, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। आप इसको कंसिडर कर लो एक साथ देखे कि नहीं देखे दोस्त, इसका मतलब ये भी किसमें एक ऑर्बिटल में तो ज्यादा रिपल्सन होगा। कम से कम दीदी बात कर यहाँ देखो, माने ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा एक ऑर्बिटल में, लेकिन कम से कम एक ऑर्बिटल का गुरु बात का दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, तो यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ रिपल्सन दीदी बात करें कम मिलेगा, यहाँ रिपल्सन क्या मिलता बेटा ज्यादा मिलता, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये दीदी बात करें कैसा होता है, जैसा स्टेबल होता है वैसा ही स्ट्रक्चर बनाने गुरु बात कर जैसा आपने बनाया। आप यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हो, C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है गुड़े बात करें, CH3 के साथ जोड़ सकते हो गुड़े बात करें, H के साथ जोड़ सकते हो, आगे वाला ग्रुप आपके दीदी डिपेंड करता है आप किसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। इसका अगर आप बताओ हाइब्रिडेशन आपसे पूछूं मतलब, तो क्या बोलोगे आप बताओ गुड़े बात करें, अरे बोलोगे ना बेटा बात करें क्या जाएगा SP2, उसका कितना आएगा SP आएगा, क्या गुड़े बात करें SP, हाँ कि ना, कैसे बोल सकते हो SP, कहाँ दिख रहा है SP, SP के लिए भैया दो बॉन्ड चाहिए, कितने बॉन्ड चाहिए दो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात एक में भी नहीं करी हो, ठीक है, क्योंकि अपन जब बात करें बॉन्ड एंगल की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको सिखाया था कम से कम दो बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड इसमें है एक बॉन्ड उसमें, कहाँ बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब लोन पेयर देख के तो हम तो काउंट करेंगे, सामने वाला पूछे स्टार्ट करेगा हम बिना सोचे समझे आपसे दे देंगे, समझ में आ रहा है, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे उड़े बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या है, तुरंत बता दिया SP2 हम देखा कितने सटाक से आंसर देते हैं, जितने तुम जल्दी आंसर देते हो उतनी जल्दी गलत पर करोगे, नोट करो फटाफट, नाइट्रीन है ये, तो नाइट्रीन पता चला बेटा बात करें, मोनोवैलेंट पूरे बात करें 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रीन को अपन क्या बोलते हैं बेटा नाइट्रीन बोलते हैं, पूरे बात करें इसमें एक ही बॉन्ड बनाएगा पूरे बात करें नाइट्रोजन, ये सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों फॉर्म में हो सकती है दीदी बात करें, सिंगलेट में एक लोन पेयर पूरे एक ही ऑर्बिटल में होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ रहते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, तो पूरे बात करें क्या होगा मोर रिपल्सन होगा लेस स्टेबल होगा। दीदी बात करें इसमें एक ही पूरे बात करें ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग पूरे बात करें ऑर्बिटल में चले जाते हैं सेम गुरु स्पिन में रहते हैं, सेम स्पिन मतलब समान बेटे बात के चक्रण में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए तो रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो कोई पूछे बताओ बेटे बात के लिए क्या होता है गुरु मोर स्टेबल, अरे बोलोगे बेटा कि नहीं बोलोगे बुढ़े बात करो, ये कैसा होगा बेटा बात करें बोलो लेस स्टेबल, लिख लो फटाफट गुड़िया बात करें।